वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एट होम. एनीवे, यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस द टॉपिक. हमारा यस्टरडे का टॉपिक क्या था? प्रोटेक्शन द राइट ऑफ दलित्स एंड आदिवासी. कल हमने डिस्कस किया था हम कैसे प्रोटेक्शन इन लोगों को मिल रहा है, दलित्स और आदिवासी को कैसे. जो यहाँ पे हमने अच्छी सी स्टोरी पढ़ी थी ना, वो आप लोग रिविजन कर लीजिएगा फिर से. नाउ टूडेज टॉपिक इज पेज नंबर 100, सब लोग ओपन कर लीजिए. लाइकवाइज थ्रू आउट द 1917 एंड 1980s, ठीक है, 1970-1980s में क्या हुआ था? तीतल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स, है ना. तीतल क्या चाहते थे? हमें सक्सेसफुली क्या मिले उन्हें, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि हमको इक्वल राइट्स मिले, ठीक है. वो चाह रहे थे जो भी हमारा लैंड वगैरह है ना, द लैंड एंड रिसोर्सेज टू रिटेन देम, उनको लैंड और रिसोर्सेज उनके वापस मिल जाए आदिवासी पीपल्स को. दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ अ पावरफुल सोशल ग्रुप्स दैट वर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील्स ऑफ वायलेंस, ठीक है. नेक्स्ट इसने क्या बोल रहा है, दिस इज द वे. देखियो इसने क्या था, फर्स्ट वाले पैरा में जो पावरफुल कास्ट वाले लोग थे ना, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई जो छोटा सा यंग बॉय था, है ना, जो कि तुरंत इंजीनियरिंग पास करके आया था, है ना, कॉलेज में एडमिशन उसने लिया, फिर पढ़ाई करते करते उसने क्या किया, बड़े क्लास के पीपल्स के खिलाफ आजाद उठाई कि हम दलित भले हैं लेकिन हम ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है. अब आप सोच भी नहीं सकते हैं, इस एक्ट में अपन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप इसमें सोच भी नहीं सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो एक ऐसे इंसान होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है. वो हम आज करने जा रहे हैं. दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन अ लॉन्ग ऑफ लिस्ट ऑफ क्राइम, है ना. इसी वजह से ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, कल हमने एक्ट पढ़ा था ना, ये 1989 वाला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला, आप सोच भी नहीं सकते इस एक्ट में कितनी हॉरिबल चीजें आपको देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी. ये तैराज आप सुनिएगा अच्छे से ध्यान से कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है. देखो तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे थे, मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक ह्यूमन बींग के साथ, लेकिन दलित्स के साथ ऐसा होता था. अब हम देखेंगे इसमें द एक्ट डिस्टिंग्विश द सेवरल लेवल ऑफ क्राइम. जो एक्ट था उसमें बहुत सारे लेवल ऑफ क्राइम था. फर्स्टली द लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ, सबसे पहली लिस्ट जो बनी थी किसकी, फिजिकल लिस्ट बनी थी, जिसने क्या बताया गया, मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन, मतलब किसी को बहुत ज्यादा जलील करना, ठीक है, उस लिस्ट के बारे में बताई गई. फिजिकली किसी को परेशान करना, ठीक है, मॉरली किसी को परेशान करना. मॉरली मीन्स क्या होता है, मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से परेशान करना, है ना, उनको बिल्कुल ह्यूमिलेट कर देना, चार लोग के सामने दे जती से फील करा देना, दैट इज कॉल्ड मॉरली एंड ह्यूमिलेटिंग. एंड सीक द पनिशमेंट ऑफ दोज. अब देखो उनको क्या पनिशमेंट मिलती थी, सबसे पहली बात ऐसा इनके साथ होता था रियल में. सी एक्ट जो है डिस्टिंग्विश करता है, मीन्स जो एक्ट बना था, यानी भेदभाव जो है वो डिस्टिंग्विश करता है लेवल ऑफ क्राइम को. अगर आप किसी की भी इंसल्ट कर रहे हो, आप किसी को फिजिकली क्या कर रहे हो, मार पीट रहे हो, मॉरली मीन्स होता है उसको किसी तरीके की पनिशमेंट आप दे रहे हो, ठीक है, इस तरह के क्राइम हो रहे थे. जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लोगों के साथ जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, बहुत सारी चीजें करने जा रहे थे वो लोग, बहुत जबरदस्ती करते थे उनके साथ. क्या करते थे, फोर्स अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू ड्रिंक एंड ईट एंड लिट एंड ओमिशियस सब्सटेंस, रिमूव द क्लॉथिंग फॉर द पर्सन ऑफ अ मेंबर एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और अ पेटिकल्स इन हर नेक्ड और विथ अ पेंटेड फेस ऑन द बॉडी ऑफ कमिटी सिमिलरली एक्ट वॉज. अब देखो इनके साथ क्या हो रहा था, इनकी डिग्निटी को कितना ठेस पहुंचाया जा रहा था. पता है इनके साथ क्या होता था, फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझिएगा, इनके साथ क्या होता, देखो सबसे पहली बात भेदभाव होता था, इनकी इंसल्ट की जाती थी, ठीक है, इनको फिजिकली पनिशमेंट भी देते थे, इनको एम्बेरस भी कराते थे लोगों के सामने, ठीक है. इस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग को जबरदस्ती क्या करना पड़ता था, टॉयलेट वगैरह साफ करना पड़ता था, ठीक है, और उन्हें पनिशमेंट मिलती थी अगर वो नहीं करते थे. उनके साथ और भी बुरा होता था, जबरदस्ती उनसे क्या करते थे वो लोग, ये सब चीजें करवाते थे और उन्हें क्या करते थे, बेसिकली नैक्ड करके, मीन नंगा करके उनको क्या करते थे, एसटीएससी के लोगों को पूरे ग्राउंड में घुमाते थे, उनके ऊपर कीचड़ उतार देते थे, कीचड़ उछालना हो गया. तो इस तरीके से क्या हो रहा था, उनकी डिग्निटी को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था. आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा फर्स्ट इन्होंने एक्ट में क्या हुआ. सेकेंडली क्या हुआ, इट इज द लिस्ट ऑफ एक्शन ऑफ डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासी ऑफ देयर नर्स रिसोर्सेज ऑफ विच फोर्स देन इन टू द फॉलोइंग परफॉर्मिंग स्लेव स्लेवर. अब उनके साथ क्या होता था, जो उनके रिसोर्सेज होते थे, ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, उन्हीं के फॉरेस्ट से उनको जबरदस्ती निकाल दिया जाता था, ठीक है, उन्हीं के फॉरेस्ट से उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा था.
वो बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, बोलते थे आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, अब आप लोग यहाँ से निकल जाओ, अगर आप नहीं निकलते तो उन्हें क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो उन्हें डरा धमका के क्या करते थे, उनकी लैंड ऑक्यूपाई कर लेते थे। यहाँ तो लिखा हुआ है ना, द एक्ट सेट टू दी आउट पनिश एनी वन हु, ठीक है, अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता है ना तो अब एक्ट बन गया, पनिशमेंट मिलती है अगर किसी ने ऐसा कुछ किया उनके साथ। लोग क्या करते थे, उनकी जबरदस्ती उनका लैंड वगैरह छीन लेते थे, बोलते थे ये लैंड उनकी जमीन जो रहती थी उनकी प्रॉपर्टी, वो सब क्या करते, दरा धमका के ले लेते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, पहले ऐसा होता था, जो भी चीजें मैंने बताई अभी तक वो पहले होता था, लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। एट अनदर लेवल द एक्ट रिकोनाइज द क्राइम अगेंस्ट द दलित, है ना, और दूसरे लेवल से भी एक्ट बने हैं, ठीक है, जो कि रिकोनाइज करते हैं किसको, दलित को, है ना, और ट्राइबल वुमेन्स को, इससे काइंड एंड देयर फॉर सीक द पैनलाइज एनी वन हु। अब इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एक और लेवल बना हुआ है जिससे रिकोनाइज किया जाता है कि जितने भी दलित हैं ना और ट्राइबल वुमेन्स होती थी उनके खिलाफ अगर कुछ भी क्राइम होता था, ठीक है, तो उन्हें सजा दी जाएगी। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप किसी प्रकार को उनको डिसऑनर कर रहे हो तो क्या क्या मिल जाएगी, उनको सजा मिल जाएगी, ठीक है। ज्योति दर्शन ऐसा करता है दलित के साथ या किसी वुमेन के साथ तो क्या मिलती है, उनको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आप किसी भी को डिसऑनर नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी को परेशान नहीं कर सकते हो, किसी से किसी की चीज नहीं छीन सकते हो, किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती किसी को मार धमका के आप भले वो छोटे कास्ट के लोग हैं वो उनसे चीजें नहीं हड़प सकते। अब आपने अगर ये सारी चीजें की तो उसके खिलाफ आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है। स्कैवेंजिंग मीन्स क्या होता है, जो टॉयलेट होती है ना, जो टॉयलेट होती है उन्हें मशीन से भी हमें साफ किया जा सकता है, और दूसरी तरीके से क्या होता है, जैसे एक गड्ढे थे पूरा टॉयलेट इकट्ठा कर लिया जाए फिर उसे कोई अपने हाथ से साफ करता, दैट इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, है ना, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है एक तरीके की ह्यूमन वेस्ट को और एनिमल वेस्ट को रिमूव करते हैं आप किससे, ब्रूम से, टिन प्लेट से, है ना, प्लास्टिक से, ड्राई लैट्रीन एंड कैरिंग ऑन द हेड ऑफ डिस्पोजल ग्राउंड इन सम डिस्टेंस प्लेस, फिर उसको इकट्ठा करके मतलब साफ करके आप वहां से साफ कर दो ये सारी गंदी चीज और फिर उसे कहीं दूर ग्राउंड तक डिस्पोज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ पर्सन हु डिड जॉब कैरिंग, है ना, ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे के ये इस टाइप के पर्सन होते हैं जो दूसरे की बेसिकली टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, ये इनका इनका जॉब होता है, ठीक है। दिस जॉब इज मेनली डन बाय द दलित वुमेन, और ये कुछ दलित लोग ही करते थे ऐसा काम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश देश, आंध्र प्रदेश ने स्वच्छता अभियान सना स्वच्छ कर्मचारी आयोग आंदोलन चला था जहां जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था इन पीपल्स के लिए, समथिंग देयर वाज 1 लाख पीपल्स फ्रॉम द दलित कमिटी, 1 लाख पीपल्स थे कहां से, दलित कमिटी से, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हु कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन दिस जॉब एंड कंट्री, हु वर्क 26 लाख प्राइवेट एंड कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स एंड मैनेज्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी, ये सारी चीजें किसके थ्रू मैनेज होती थी, दलित थोड़ा मैनेज करते थे और थोड़ा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी मैनेज करते थे। अब न्यूचुअल स्कैवेंजर वॉज एक्सपोज टू द सम ह्यूमन कंडीशन, अब आप सोचिए कि कितनी ज्यादा ये कंडीशन, किसी की टॉयलेट साफ करना ये किस तरीके की कंडीशन हो सकती है, ऐसे लोगों को करना पड़ता था, ये कितना ज्यादा सीरियस है ना, कितना ज्यादा सीरियस है, हमारी हेल्थ किससे खराब हो सकती है, ये किस किस चीज से इन्फेक्शन हो सकता है, हाइज में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, गैस्ट्रोल इंटेस्टाइन सिस्टम हमारा खराब हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर कितना इम्पैक्ट डालता था। जो लोग काम करते थे ना उन्हें बहुत ज़्यादा लो वेजेस मीन्स बहुत कम पैसे मिलते थे, ठीक है। दोज वर्किंग इन द अर्दन म्युनिसिपैलिटीज, जो बेचारे म्युनिसिपैलिटीज में काम करते थे उनको पर डे का 200 रुपये मिलता था इस तरह का काम करने के लिए, वर्किंग प्राइवेट गट आर मच लेस, ठीक है, कभी कभी इनको 200 रुपये से भी कम मिलता था, तो इस तरीके से इनको ये काम करना पड़ता था जिसका इनको वेजेस मिलता था। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत की भावना, अब हमको क्या करना चाहिए, इसको अबॉलिस्ट कर दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, आप किसी को इस तरीके से नहीं देख सकते, छुआछूत की भावना नहीं रख सकते, आपके लिए सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, सबको इक्वल मानना है। अब इसने क्या हुआ, धंगीज इन गुजरात, अब कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं कंट्री के अंदर, जैसे धंगीज इन गुजरात, आंध्र प्रदेश में तकील्स हैं, ठीक है, ये सारी जगहों पे ये सब अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत जगह फॉलो होता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है, सबको कैसा ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। हमारे लॉ में क्या बोला गया है कि सबको क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ।
ओके स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब देखो क्या हुआ, पहले क्या होता था ना, उनको डिनाय कर दिया जाता था, बोल देते थे अनटचेबिलिटी की वजह से आप लोग मंदिरों में नहीं जा सकते। 1993 में गवर्नमेंट ने पास किया एक एम्प्लॉयमेंट म्यूचुअल एक्सचेंजर कंट्रेनिंग द ड्राई लैट्रिन्स। उन्होंने कहा कि अब इस तरह ये ड्राई लैट्रिन्स नहीं बनेंगी, जैसे फ्लशिंग सिस्टम होना चाहिए ना कि खुद से साफ हो जाए। ड्राई जगह पे क्या होता है, गंदगी बहुत ज्यादा होती थी। द लॉ इस तरह की जो चल रही थी चीजें पहले, ड्राई वगैरह लैट्रिन सिस्टम्स जो चल रहा था पहले, कंस्ट्रक्शन जिनका होता था, ये क्या कर लिया था, अबॉलिश कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ओके सी 1993 में आया गया था, लॉ बनाया गया था कि जिसने ये म्यूचुअल जो आप लोग का चल रहा था, स्कैंजरिंग जो आप लोग की चल रही थी, मतलब लोगों के टॉयलेट वगैरह साफ करना, इस तरह का जो चीजें चल रही थी, वो उसके बाद और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, इसके बाद तो आप सोचिए वो और एक नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हो गया था, जिसने आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो चीज़ों को, फिल अप द PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीज़ों जो ये चल रहा था, आप देखते हो पहले रेलवेज वगैरह में क्या होता था, पहले अभी भी होता है ना, गौरा ज़्यादा ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो पूरा गंदा होता जाता है नीचे, है ना, अगर कोई वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करता है तो पूरी टॉयलेट क्या होती है, रेलवेज लाइन पे ही मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा अब लेकिन धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा चीज़ों का, तो जल्द से जल्द इन सब चीज़ों में भी क्या होगा, सुधार होगा। क्लियर, तो इस तरीके से द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ नंबर ऑफ मच एक्सचेंजर इंडियन हैज इंक्रीज सिंस इन 1993 लॉ, इट डायरेक्टेड द एवरी डिपार्टमेंट, है ना, ये हर एक डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टू वेरीफाई द फैक्ट विद इन द सिक्स मंथ में आपको ये सब चीजें देखनी होती को मिलती रहती हैं। ठीक है, इन म्यूचुअल स्टैंडिंग वॉज फाउंड टू एग्जिस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज एक्टिवली टेक अप द टाइम, इसके लिए टाइम पीरियड बना होता है। ठीक है, सारी चीजों के लिए टाइम पीरियड बना होता है, और ये एक्ट समथिंग द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट केम टू फोर्स इन दिसंबर 6, 2013। क्लियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने आज पढ़ लिया, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसी का हमने थोड़ा सा स्टडी किया है आज, कल हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी का आप लोगों ने यहाँ से दो चीज़ें पढ़ी, दो चीज़ों ने आप लोगों ने देखा, फर्स्टली देखा कि कैसे ह्यूमिलेशन होता था, तो बहुत सारी चीज़ें रोकनी है। नेक्स्ट, जो आदिवासी लोग होते थे उनकी लैंड वगैरह लोग छीन लेते थे, फिर ज़बरदस्ती उनसे कल्टीवेशन करवाते थे उन्हीं की लैंड पे, और फिर काम भी नहीं देना, पैसे भी नहीं देना, तो ये सब चीज़ें रोकना है। इन सारी चीज़ों के बारे में दीदी आप लोग को बता दिया है कि अब सिस्टम चेंज होता जा रहा है दिन पर दिन, है ना, डेवलपमेंट होती जा रही है। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस पेज नंबर 102, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट, क्या क्या आदिवासी की डिमांड्स थी, हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।